हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पे। हाँ तो यहाँ पे रनिंग करते हैं ना लोग, बहुत रनिंग करते हैं। हम लोग सुबह डेली आते हैं यहाँ पे रनिंग करने। लेकिन अभी ये बताओ, ऐसा पार्क आपको वहाँ मिला है क्या बोलते हैं आपके जबलपुर पे? हाँ वहाँ अगर अपन जंगल को ख़त्म करेंगे ना तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं घूमने फिरने के लिए। आप इसमें जितना घूमते रहेंगे, जितना मतलब चलते रहेंगे ना, ये उतना ही बड़ा पार्क है। हाँ एक राउंड और है, लेकिन अब राउंड ये कुछ शाम के लिए भी छोड़ दिया अपन। शाम को देखेंगे चलो। हम लोग आ चुके हैं ये जंगल के बीच में। बार बार वही वर्ड, ये जंगल नहीं पार्क है भैया। अपन क्या ढूंढ रहे हैं? यहाँ करौंदे लगे हुए हैं। हाँ ये ग्रीन वाली, ये देखेंगे ये इस टाइप की ये करौंदे हैं। ये हरे वाले जो होते हैं दिखाई पड़े। हाँ ये तो बहुत सारे लगे हैं। अभी कुछ भैया लोग तोड़ तोड़ के खा रहे थे, मुझे लगा चलो देखते हैं क्या तोड़ के खा रहे हैं ये लोग। हाँ इनका इनका अचार भी बनता है, आपको पता है? चटनी बनाएगा। हाँ अपन चटनी का भी एक बना लेंगे रिसीव का, कि जंगल से लाए थे अपन, जंगल नहीं पार्क से अपन लाए थे करौंदे तोड़ के। ये करौंदे के पेड़ हैं, आप करौंदे जानते होंगे। यहाँ बहुत सारे ऐसे जंगल में करौंदे के पेड़ हैं। ये जो चारों तरफ देख रहे हैं हम, करौंदे के पेड़ों के बीच में बैठे अपन। पेड़ नहीं तो झाड़ तो बोलते हैं। ये छोटे छोटे क्या हैं, करौंदे हैं। आपने तो बहुत सारा तोड़ दिया। इसी का चटनी बनेगी? यस। सही है आपका चटनी बनाने का प्रोग्राम। ये हम लोग घूम रहे हैं जंगलों के बीच में। जंगल नहीं भैया, पार्क है ये। यहाँ पे एक छोटा बांध, पानी बहुत गंदा है यहाँ का। ये जो है हाँ बांध स्मेल कर रहा है, क्योंकि ये बांध बांध जैसा लग नहीं रहा है मुझे, लेकिन है तो ये बांध ही। ये यहाँ कुछ बैठने के लिए बना हुआ है, तो दिख रहा है ये यहाँ पे पहले ये टेबल ना इधर भी थी। ये जी पहले जो ये टेबल इधर थी ना, ये इधर भी टेबल लगी हुई थी यहाँ पे, लेकिन अब ये टेबल हटा दी गई है यहाँ से। ये पूरा जो जंगल आप देख रहे हैं ना, ये पूरा जंगल, ये जंगल नहीं, ये क्या है? पार्क। पार्क है। और स्वर्ण जयंती पार्क इतना वीआईपी बना हुआ है कि आप यहाँ दोपहर में तो खुलता नहीं, अगर दोपहर में आओगे ना तो रूम जाने का, घर जाने का मन ही नहीं होता है। इतना अच्छा पार्क ये बना हुआ है। ये दूसरा गेट जो सुबह ओपन हो जाता है। ये कुछ अंकल लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करते हुए दिख रहे हैं। ये तो अभी हम थोड़ा लेट हो गए थे इसलिए कम है, बाकी नहीं यहाँ तो ये पूरा फुल रहता है। टू द डीलर, ये देख रहे हैं पूरा फुल रहता है यहाँ पे।
ये हम जा रहे हैं जंगल के बीचों बीच। यहाँ पे बैठने की बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। अरे यहाँ की टेबल कुर्सी कहाँ है? यहाँ ये है ना नेचुरल वाली, ये एक नेचुरल ब्यूटी। यहाँ पे कुर्सी नेचुरल कुर्सी है, यहाँ पे टेबल। बाकी यहाँ बैठने की ये सुंदर व्यवस्था है आपके पास, तो आप आके थोड़ा यहाँ रेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा धूप है, और धूप अब क्या है, अब करीब बज चुके हैं 10, तो यहाँ पार्क बंद होने वाला है, तो हमें निकलना भी पड़ेगा। बाकी पार्क इतना VIP है, इतना अच्छा पार्क है कि भोपाल में ऐसा पार्क आपको दूसरा नहीं मिलेगा। ये जो स्वर्ण जयंती पार्क है चूना भट्टी पे है यहाँ पे, और इतना दूर तक ये फैला हुआ है, और इसमें ट्रैकिंग और रनिंग वॉकिंग आप जो चाहें कर सकते हैं। बहुत ही VIP पार्क है ये, आप देख रहे हैं ये। और यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आ सकता है। हाँ, लेकिन एक टाइम लिमिट होता है कि आप सुबह 6 से 10 बजे तक आएँ, या फिर शाम को 4 से 6 बजे तक आएँ, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत है और जंगल जैसा ही दिखता है, लेकिन है बहुत VIP और सेफ़ है, सबके लिए सेफ है, सब लोग आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं बीच जंगल में, सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं बहुत सारे। ये बीच पार्क में ऐसे ही बैठने के लिए व्यवस्था पूरी होती है, तो आप ऐसे बैठें और मस्त नेचुरल ब्यूटी का आनंद लें। जंगल में मधुमक्खी नहीं, पत्थर मत मारिएगा, नहीं तो हमारी लग जाएगी। ये मधुमक्खी का छत्ता, तो आप यहाँ देखेंगे ना, इस पार्क में सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो नॉर्मली नहीं मिलता है, है ना। ये मधुमक्खी का छत्ता है, तो चले चलते हैं दूर, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे से लपट पड़े। ये पूरा पार्क धीरे धीरे खाली हो रहा है, क्योंकि अभी 10 बजने वाले हैं, और 10 जैसे बजने वाले होते सब यहाँ निकल जाते हैं, और दूसरा ऑफिस के यहाँ सबके टाइमिंग भी हो जाता है, तो सब लोग निकल जाते हैं। तो ये यहाँ बच्चों के खेलने बैठने के लिए बना हुआ है, और ये कुछ सूचना है, अब देखेंगे सूचना है कुछ है। ये स्वर्ण जयंती पार्क में धूम्रपान वर्जित है, और यहाँ आप भूल के भी नहीं कर सकते हैं, अगर आप पकड़े गए तो आपको चार्जेस का भुगतान करना पड़ता है, और आप पे पुलिस की कार्रवाई भी हो जाती है यहाँ पे, है ना। तो पार्क हम अपन इतना अच्छा तभी बना सकते हैं जब उसमें कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन हो कि सब लोग फॉलो करें, और अगर सब लोग फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे ऐसे ही पार्क बनते हैं। ये यहाँ बैठने की पूरी व्यवस्था है, लोग यहाँ बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, वॉकिंग भी करते हैं, जैसे वो भैया एक दौड़ते हुए आ रहे हैं, ऐसे रनिंग भी करते हैं। तो पार्क अगर आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो आपको खुद भी पहले खूबसूरत बनना पड़ेगा। जब तक आप पहले उस हिसाब से नहीं ढलेंगे, तो पार्क आपका उस हिसाब से नहीं ढलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और इसी के साथ मिलते हैं हम। हाँ, और आप लोग अगर लाइव सब्सक्राइब करते रहेंगे तो प्यार बना रहेगा, और एक दिन हम वहाँ तक जाएंगे कि हम आपके सामने। हाँ, आप मुझे लाइक और कमेंट करने के लिए। ये मध्य प्रदेश भोज मुक्त विद्यालय सामने है, उसके जस्ट सामने ये पार्क है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मजा आ रहा है पोहा में? खा दो, मैं बताऊंगा, और रहा नहीं जा रहा है।